नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता। इंग्लैंड के खिलाफ आखिरी टेस्ट मैच में भारत को झटका। चौथे टेस्ट मैच में नहीं खेलेंगे जसप्रीत बुमराह। जानिए बुमराह के ना खेलने की क्या है वजह। टीम इंडिया की तेज गेंदबाजी की रीढ़ माने जाने वाले गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। खबर है कि अहमदाबाद में होने वाले चौथे टेस्ट मैच में बुमराह नहीं खेलेंगे, जिसके बाद उनकी जगह किसी दूसरे खिलाड़ी को टीम में शामिल किया जाएगा। खबर के मुताबिक बुमराह ने निजी कारणों की वजह से बीसीसीआई से छुट्टी मांगी है, जिसके बाद चौथे टेस्ट मैच में बुमराह भारतीय टीम का हिस्सा नहीं रहेंगे। खबर है चौथे टेस्ट मैच में बुमराह की जगह पर उमेश यादव या फिर सिराज को शामिल किया जा सकता है। आपको बता दें, भारत और इंग्लैंड के बीच चौथा टेस्ट मैच भी अहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम में ही खेला जाएगा। इसी मैदान पर भारतीय टीम ने अपना तीसरा मैच भी 10 विकेट के बड़े अंतर से जीता था। तब भारत ने इंग्लैंड की टीम को केवल 2 दिनों के अंदर ही समेट दिया था। हालांकि उस मैच में तेज गेंदबाजों को ज्यादा गेंदबाजी करने का मौका नहीं मिला था। वजह साफ थी, क्योंकि पिच पर स्पिन गेंदबाजों के लिए काफी मदद थी। अश्विन और अक्षर पटेल ने अपनी गेंदबाजी के दम पर इंग्लैंड की टीम को पिच पर रुकने का मौका ही नहीं दिया था। वैसे भारत ही नहीं, इंग्लैंड की तरफ से भी तेज गेंदबाजों को गेंदबाजी करने का ज्यादा मौका नहीं मिला था। आपको बता दें, तीसरा टेस्ट मैच जीतकर भारतीय टीम इस सीरीज में अभी 2-1 से आगे है, और जिस तरह से इंग्लैंड भारतीय स्पिनरों के सामने खेली, उसे देखकर तो लगता है कि चौथा टेस्ट मैच भी भारतीय टीम आसानी से जीत जाएगी और भारत को विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का टिकट मिल जाएगा। अब हम आपको चौथे टेस्ट के लिए भारतीय टीम के बारे में बता देते हैं। चौथे टेस्ट मैच में विराट कोहली, रोहित शर्मा, शुभमन गिल, चेतेश्वर पुजारा, अजिंक्य रहाणे, ऋषभ पंत, रविचंद्रन अश्विन, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, ईशांत शर्मा, मोहम्मद सिराज और उमेश यादव में से कोई एक खिलाड़ी खेल सकता है। वैसे आपका इस खबर पर क्या कहना है? क्या बुमराह के बाहर रहने से टीम पर कोई फर्क पड़ेगा? आपका जो भी मानना हो कमेंट करके हमें जरूर बताएं।